मैं हूँ आपके साथ वागी शराब, देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज़ और सीधे आपके साथ चलते हैं टेलीविजन जगत की ओर। इंडियन आइडल के मंच पर इस हफ्ते चल रही हैं धूमधाम से तैयारियां, क्योंकि इस हफ्ते होने वाला है 90s स्पेशल और 90s स्पेशल के स्पेशल गेस्ट होंगे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल। और जब ये लोग मंच पर हो और उन्हीं के गीतों का जब समा बधे तो माहौल ही अलग होता है। इस हफ्ते कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल भी अपने ही गीतों से मंच का माहौल बदलेंगे, वहीं जजेस भी कुमार सानू के गीतों का आनंद लेते हुए नजर आएंगे। कंटेस्टेंट की यदि बात करें तो सभी कंटेस्टेंट ने कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गीत गाया। रिधम कल्याण की बात करें तो रिधम कल्याण जिनके गीत ने मंच का माहौल बदल दिया। रिधम ने कुमार सानू जी का गीत जिए तो जिए कैसे बिन आपकी फिल्म साजन का ये गीत गाया, जिसके बाद कुमार सानू और अनुराधा ने उनकी तारीफ की। लगता नहीं दिल कहीं। वही अद्रीस की बात करें तो अद्रीस की भी तारीफ कुमार सानू ने की और अनुराधा जी ने उनको कहा कि इसकी आवाज गजलनुमा है। आखिर कौन सा गाया अद्रीस ने गाना, ये भी देख लेते हैं। अद्रीस ने उन्हीं के गीत को बड़ी खूबसूरती से गाया। वहीं दूसरी ओर शाहजान की बात करें तो शाहजान ने भी मंच का माहौल बदल दिया, उन्होंने कुमार सानू का दिल जीता। अब देखते हैं शाहजान ने आखिर कौन सा गाना गाया और कुमार सानू का दिल कैसे जीता। अपना बनाने की कसम खाई है। वहीं अजय अतुल द्वारा साइन की जाने वाली जनाबी ने भी कुमार सानू और अनुराधा जी को मजबूर कर दिया उनकी तारीफ करने के लिए। जनाबी को अजय अतुल द्वारा साइन किया जा चुका है क्योंकि उनकी आवाज एक अलग ही है। वहीं सनी की यदि बात करें तो सनी इस हफ्ते कुमार सानू के सामने नुसरत साहेब का गीत गाएंगे। सनी सानू एक पल चेन्नई गाना गाएंगे, जिससे कुमार सानू खुश हो जाएंगे और मंच पर जाके उन्हें तोहफे के तौर में कुछ रुपए भेंट करेंगे। अरे 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 वाह। लेकिन एक बात जिसे जानकर सनी के फैन काफी खुश होंगे और वो बात यह है कि जिस तरह जनाबी को अजय अतुल ने साइन किया, वैसे ही सनी को भी फिल्मों में गाने का ऑफर आ गया है। सनी को फिल्मों में गाने का मौका किसी और ने नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस सिंगर हिमेश रेशमिया ने दिया है। जब सनी का गीत हिमेश रेशमिया सुनते हैं तो इतना खुश होते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी अगली फिल्म के लिए गाना गा रहे हो। हिमेश ने सनी की तारीफ करते हुए कहा, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ राजकुमार संतोषी जी की, उसमें स्ट्रेट तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो उस गाने की मेल वॉइस में। ये सुन सनी इतने खुश होते हैं कि हिमेश रेशमिया के पास जाकर उन्हें गले लगा लेते हैं। राजकुमार संतोषी जी की स्ट्रेट तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसकी गाने की मेल वॉइस में स्ट्रेट। सुपर्ब है। सनी का सफर अभी शुरू भी नहीं हुआ था और उन्हें फिल्मों में गीत गाने का मौका मिल गया। सनी एक ऐसी आवाज है जिन्हें हर कोई पसंद करता है। सनी इंडियन आइडल में जीते नहीं, लेकिन वे आने वाले समय में एक बड़े सिंगर जरूर बनेंगे। हिमेश रेशमिया ने कई लोगों को अपने साथ गाने का मौका दिया है। जिस तरह एक स्टेशन से उठाकर रानू मंडल को आसमान तक पहुंचाया, उसी तरह जब हिमेश रेशमिया ने सनी को देखा तब उन्हें भी गाने का ऑफर दे दिया। अब देखते हैं सनी आगे कौन कौन सी फिल्मों में गाना गाएंगे और सनी इंडियन आइडल के मंच पर जीतते हैं या हारते हैं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। देखते रहिए टैलेंटेड इंडिया न्यूज। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।